स्वागत है आप सभी का ममताज किचन में। आज मैं आप लोगों को कलाकंद बनाने सिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे और उस कढ़ाई में घी लगा देंगे, दूध सटने न पाए। एक केजी दूध लेंगे, आधे लीटर का खोआ तैयार करेंगे और आधे लीटर का छेना। छेना तैयार करने के लिए दूध जब उबाल आ जाए दूध में, उसमें नींबू डालेंगे। नींबू को छन्नी से छान लेंगे ताकि उसमें नींबू का बीज न जाए। अब इधर देखिए खोआ अभी तैयार हो रहा है, देखिए छेना फट गया। ये अलग पानी हो गया। अब उसको छन्नी में एक कपड़ा डालेंगे, उसमें छान लेंगे छेना को। अच्छी तरह से इसको कपड़े में निचोड़ लेंगे। पूरा पानी निचोड़ आने पे उसको भारी बर्तन से दबा देंगे ताकि उसका पूरा पानी अच्छी तरह से गल जाए। देखिए खोआ तैयार हो रहा है। कुछ देर में खोआ तैयार हो जाएगा। तक इधर हम बादाम को काट लेंगे। बादाम को काटेंगे या घिस लेंगे। देखिए मैंने अब खोआ तैयार हो गया, उसमें छेना डाल देंगे। छेना को डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पूरा बढ़िया से मिक्स कर लेंगे इसको। देखिए अब छेना पूरा बढ़िया से मिक्स हो गया। इसको अच्छी तरह से दबा दबा के मसल देंगे ताकि उसमें कुछ रह ना जाए। अब देखिए चीनी तैयार है। इलायची लेंगे, इलायची को पीस के उसको छन्नी से छान लेंगे। चीनी मिक्स कर रहे हैं, पिसी हुई चीनी को मिक्स कर देंगे। मिक्स कर दिए। थाली में घी थोड़ा सा लगा के उसमें निकाल देंगे छेने को। तो चम्मच से फैला देंगे, चम्मच से ऊपर की तरफ से चिकना बना देंगे। इसके बाद इस पे कटा हुआ बादाम डाल देंगे। बादाम डालने के बाद चम्मच से थोड़ा सा दबा देंगे ताकि निकले नहीं।
अब इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसे निकाल लिए, अब देखिए इसको कट कर रहे हैं। अब कलाकंद तैयार हो गया। आप भी इसको अपने घर पे बनाइए और आप बताइए कि ये आपको कैसा लगा। शेयर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।